हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। अगर आप स्टॉक्स ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि थ्रू आउट द डे हम आपको देते हैं इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग रिलेटेड बहुत सारी लर्निंग, गाइडेंस और स्टॉक रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो चलिए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे, निफ्टी बैंक निफ्टी लेवल्स और साथ ही स्टॉक्स इन न्यूज़। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी आउटलुक की। निफ्टी को 17,200 का सपोर्ट मिल रहा है और 17,500 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। वहीं बैंक निफ्टी को 40,000 का सपोर्ट मिल रहा है और 41,200 विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे की। इन स्टॉक्स को आप 7 से 10 दिनों के लिए होल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले ICICI बैंक, यहां पर कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, बाय कर सकते हैं 877 पर, स्टॉप लॉस 849, पहला टारगेट 905 और दूसरा टारगेट 932 पर रख सकते हैं। इसके बाद है इंडियन होटल्स, ये ऑन वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, बाय कर सकते हैं 325 पर, स्टॉप लॉस 316, पहला टारगेट 334 और दूसरा टारगेट 342 पर रख सकते हैं। फिर है चंबल फर्टिलाइजर्स, यहाँ पर रिकवरी ऑन कार है तो आप इसे बाय कर सकते हैं 264 पर, स्टॉप लॉस 254, पहला टारगेट 275 और दूसरा टारगेट 285 पर रख सकते हैं। फिर है इंडिगो, यहाँ पर वॉल्यूम स्पर्ट है, बाय कर सकते हैं 1910 पर, स्टॉप लॉस 1824, पहला टारगेट 1996 और दूसरा टारगेट 2085 पर रख सकते हैं। फिर है मेदांता, ये ऑन वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, बाय कर सकते हैं 527 पर, स्टॉप लॉस 506, पहला टारगेट 548 और दूसरा टारगेट 570 पर रख सकते हैं। जो कॉल्स हमने आपको रिकमेंड किए थे अगर उनकी बात करें तो देखते हैं उनका परफॉर्मेंस। जेके लक्ष्मी वेंट अप 4%, फर्स्ट टारगेट अचीव्ड एंड नैटको फार्मा वेंट अप 3.6%। तो चलिए अब नजर डाल लेते हैं जल्दी से स्टॉक्स इन न्यूज पर, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं ओरियंट इलेक्ट्रिक, अशोका बिल्कॉन एंड RVNL के बारे में। ओरियंट इलेक्ट्रिक की बात करें तो राकेश खन्ना ने एज MD एंड CEO ऑफ ओरियंट इलेक्ट्रिक रिजाइन किया, वहीं राजन गुप्ता को एज MD एंड CEO अपॉइंट किया गया। अशोका बिल्कॉन की बात करें तो अशोका बिल्कॉन ने एक कॉन्ट्रैक्ट बैक किया है विच इज वर्थ ₹284.65 करोड़ फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। वहीं रेल विकास निगम लिमिटेड की बात करें तो इनको लेटर ऑफ अवार्ड मिला है फॉर अ प्रोजेक्ट वर्थ ₹1,271 करोड़ फ्रॉम NHAI। फिलहाल के लिए इतना ही। स्टॉक से रिलेटेड और अपडेट्स के लिए कीप फॉलोइंग 5 पैसा और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देते रहें।